सतीश बाबू का। सतीश का क्या लिखा है? पढ़ लीजिए। श्रीमती गीता देवी नमस्ते, आप जो नाटक खेल रही थी उसमें अब मैं हिस्सा न ले सकूंगा। मैं आज रात को शहर जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि मेरा पार्ट करने के लिए आपको कोई दूसरा जरूर मिल जाएगा। सतीश, ये साहब यहाँ क्या करते थे? हमारे यहाँ पोस्टमैन का काम करते थे। लो बेटा, ये मिठाई खाते तो देखो कैसी बनी है, गीता ने बनाई है। अच्छा गीता, तू जरा पान बना ला। मिठाई तो बहुत अच्छी बनी। सच बेटा, क्या कहूँ, बड़ी होशियार लड़की है। गुण तो ऐसे हैं कि किसी बड़े घर की बहू बने। जी हाँ, लेकिन भगवान जाने उसके भाग में कैसा लड़का बदा है। सच कहती हूँ बेटा, इसी चिंता में रातों नींद नहीं आती। अरे तुम बेकार परेशान होती हो, मैंने कह दिया अपनी गीता रानी बनेगी, तुम तो सब सोचे बैठे हो। ऐसा कौन राजा जो तुम्हारी गीता को ब्याह ले जाए? क्यों, मैंने तुमसे कहा ना था, भूल गई? चुप रहो। तो क्या कोई लड़का ठीक किया है आपने? नहीं बेटा, ये तो यही बकते रहते हैं, इनकी भली चलाई। एक दिन आकर कहने लगे, तुम गीता को बहुत पसंद करते हो, शायद ब्याह करने पर राजी हो जाओ। अब भला कहा तुम जैसे राजा और कहा हमारी गीता। वाह, ये आप क्या कर रही हैं? सच पूछिए तो मैं आज यही बात कहने के लिए आया था आपसे। सुना तुमने मैंने क्या कहा था? हाँ हाँ, जुग जुग जियो बेटा, तुमने मेरी बड़ी चिंता दूर कर दी। आज को जो गीता की माँ होती तो कितनी खुश होती बेचारी। अरे रोती क्यों हो, स्वर्ग से उनकी आत्मा आशीर्वाद देगी। और कहो बेटा, मैंने तो तुम्हें बातों में लगा लिया। जी बहुत खा चुका, अब इजाजत दीजिए। अरे पान तो आ जाने दो। गीता, ओ गीता। बेटा मेरा विचार है, कोई अच्छा मुहूर्त निकल आए तो जल्दी से सगाई कर दूं। हाँ, जब आप कहें। मैं तो आज ही कर देती, लेकिन ये शहर जा रहे हैं। तो क्या हुआ, दो ही दिन की तो बात है, जैसे वापस आऊं कर देना। हाँ जैसा आप कहें, मैं तो हर तरह तैयार हूँ। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा, जरा ठहरो मैं अभी पान लाई। अरे भैया चुपचाप बैठी है, पान कहाँ है? अजीब लड़की है। लो बेटा, ये तो अभी से तुम्हारे सामने आते शर्माने लगी। अच्छा नमस्ते। 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 जीते रहो बेटा। देखा तुमने कैसे मजे से मैंने सारी बातें पक्की कर ली। हाँ हाँ, तुम बहुत काबिल हो, तुमसे तो ज्यादा हूँ। बातों बातों में राह पर ले आई उसे, अब बस किसी तरह सगाई हो जाए। हाँ मैं सोचता हूँ गीता को भी शहर लेता जाऊँ, वहीं उसके गहने कपड़े भी तैयार हो जाएंगे। कुछ भी हो, अब वो एक जमींदार की बहू बनने वाली है, सारी चीजें शहर से खरीदनी चाहिए। वाह क्या सोची है, कौन कहता है तुम्हें अकल नहीं। अब माना ना तुमने शांति, हटो भैया मेरा नाम। अब भूल हो गई। अच्छा तो गीता को जल्दी से तैयार कर दो। पोस्टमास्टर साहब, आपको छोड़ने चलाया, क्या गीता देवी भी जा रही है? जी हाँ, सोचा गीता को भी लेता जाऊँ, कहने कपड़े बनवाने हैं ना। मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं भी चलता। बाबूजी गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी कीजिए ना। हाँ सुनिए, आप मेरे यहाँ ठहरिए, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं। ये मेरे मकान का। शुक्रिया। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। चलो बाबूजी का है, ये रेडियो। मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे, मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे, बार बार तेरी सुधी आवे, बिरहा अगन जलावे, मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे।
चुपके चुपके दिल रोता है, मेरा प्यार थका सोता है, चुपके चुपके दिल रोता है, मेरा प्यार थका सोता है, दूर किसी झुरमुट में कोयल शोर मचावे, तेरी याद सतावे, मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे। तुमने हंस कर हमें रुलाया, मेरी पूजा को ठुकराया, फिर भी क्यों तस्वीर तुम्हारी हमको तरसावे, मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे। मेरे गम को कोई क्या जाने, दिल की पीड़ा को दिल पहचाने, दिल की पीड़ा को दिल पहचाने, तुम तो हमसे दूर बसे हो, तुम तो हमसे दूर बसे हो, आंसू कौन सुखावे, मेरे आंसू कौन सुखावे, मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे, मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे। आंसू की विद्या दोनों सुन की जरूरी काम से चलाया। पोस्टमास्टर साहब कहाँ हैं? वो तो दफ्तर गए हैं। कुछ उदास नजर आ रही हो। नहीं तो? यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? जी नहीं, तकलीफ किस बात की? मेरा ख्याल था मुझे देख के तुम खुश होगी, लेकिन जी खुश तो हूँ, लेकिन खुशी नजर तो नहीं आती, बताओ ना क्या बात है? कोई बात नहीं, महेश बाबू, ये तस्वीर क्या आपके पिताजी की है? हाँ, और इस तस्वीर को तो तुम पहचानती ही हो। जी, और ये? ये रमेश है। आपके भाई है? नहीं, दरअसल बाबूजी ने इसे पाला था। ओ, वो अब यहाँ नहीं रहते? नहीं, बाबूजी के मरने के बाद मुझसे झगड़ कर कहीं चला गया, मैं अभी आया। देखो हमरे राजा की आज सगाई है, ऊंचिया दरिया पे नौबत बारे, ऊंचिया दरिया पे नौबत बारे, अंगना में शहनाई है, देखो हमरे राजा, हाँ हमरे राजा की आज सगाई है। गंगा में जमुना का पानी, जैसे गंगा में जमुना का पानी, भाई फूल ये जोड़ी मिलाई है, देखो हमरे राजा, हाँ हमरे राजा की आज सगाई है। बड़े भोले भाले, बड़े भोले भाले, बड़े भोले भाले, दुनिया के लोगों से बिल्कुल निराले, लेकिन जोरू से इनकी, भाई जोरू से इनकी लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई है, देखो
को हमरे राजा, हाँ हमरे राजा की आज सजाई है। बैठे हुए हैं यहाँ कुछ कुंवारे, हाँ बैठे हुए हैं यहाँ कुछ कुंवारे, रोनी सी सूरत बना के बिचारे, सबके मन में इन सबके मन में क्या है, लुगाई है लुगाई है लुगाई है, देखो हमने राजा, हाँ हमने राजा की आज सजाई है। बिटवा जो होवे तो, लल्ला जो होवे तो, मुन्ना जो होवे तो, हमको बुलाइयो, हमको बुलाइयो, बड़ी बड़ी आधा लगाई है, देखो हमरे राजा, हाँ हमरे राजा की आज सजाई है। कमला दीदी आओ ना, इतनी उदास क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी सहेली की सगाई इतने बड़े जमींदार से हो रही है, कुछ बोलो ना, चुप क्यों हो, कम से कम आशीर्वाद तो दो मुझे। गीता तू मेरी बहन की तरह है, एक बात पूछ सकती हूँ? क्या? तू अगर महेश बाबू को चाहती थी तो सतीश बाबू से क्यों प्रेम का ढोंग किया? मैंने प्रेम का ढोंग किया? हाँ, उस बेचारे को धोखे में रखने की क्या जरूरत थी, इसमें धोखे की क्या बात है, कहाँ इतने बड़े जमींदार और कहाँ तुम्हारे सतीश बाबू। ओह, ये क्या मेरी सगाई की भेंट लाई हो? हाँ, सतीश बाबू दे गए थे। मेरी चिट्ठियां हंसती है? क्यों ना हंसू, तुमने इन्हें जला क्यों ना दिया? मैं क्यों जलाती, इधर सतीश बाबू को प्रेम पत्र लिखती रही, उधर महेश बाबू से क्या प्रेम करती थी। दीदी हाँ, सतीश बाबू ने अपनी आंखों से देखा कि तू रेहसल के बहाने बागीचे में महेश बाबू गोद में सर रखकर प्रेम कर रही थी। ओह, जाके कह दो अपने सतीश बाबू से मैं प्रेम नहीं कर रही थी, तुम दोनों के प्रेम का नाटक देखकर मैं वहां जाके बेहोश हो गई थी, मुझे दोष देने चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सतीश बाबू से ब्याह करना चाहती थी तो मुझसे क्यों ना कहा? मैं सतीश बाबू से ब्याह करना चाहती थी? क्या बक रही है पगली, छोड़ो मुझे, तेरा सर तो नहीं फिर गया, सतीश बाबू मेरे भाई समान है, तभी उस जीवन से भीख मांग रही थी, ब्याह कर लो, इतने कठोर न बनो, तुम पीछे हटोगे तो एक जीवन नष्ट हो जाएगा। हाय भगवान, ये तू क्या समझ बैठी, मैं तो तेरे ब्याह के लिए कह रही थी। मेरे ब्याह के लिए तुम्हें कहने की ऐसी क्या पड़ गई थी? तुझे महेश बाबू से बचाने के लिए, मैं जानती तेरे पर दुष्ट की नजर है, ये किसी और को समझाना दीदी, महेश बाबू को बुरा कहती हो, वो तुम लोगों से अच्छे हैं, किसी को धोखा तो न देंगे। महेश बाबू कैसे आदमी है मैं ही जानती हूँ। क्या जानती हो, अब कहती क्यों नहीं, तुझे कैसे बताऊं गीता, ये मैं नहीं कह सकती, मेरा विश्वास कर, मैं तुझसे विश्वास कर, बस रहने दो दीदी, अपने आप को बचाने के लिए महेश बाबू को क्यों फजूल बदनाम करती हो, तुमने जो चाहा वो हो तो गया। गीता तू क्या मेरा विश्वास ना करेगी, तो सुन मुझे भागन की कहानी, शायद तुझे विश्वास हो जाए, मैं विधवा नहीं हूँ, विधवा बनी हूँ, मैंने जिससे प्रेम किया उसने मुझे ठुकरा दिया, उसे ब्याह नहीं किया, मेरा जीवन खराब कर दिया, और मेरी तरह तेरा जीवन भी खराब ना करे, मैंने इसकी कोशिश की थी, लेकिन ऐसी अभागिन हूँ कि कुछ ना कर सके। कौन है वो? महेश बाबू। दीदी। हाँ बहन, ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, तुझे भी ना बताना चाहती थी, अब तो मेरा विश्वास करेगी। दीदी मुझे माफ करो। नहीं नहीं गीता, जो भाग्य में बदा था हुआ, दुख तो इस बात का है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को समझने में बड़ी भूल की। रो मत बहन, मैं जाती हूँ, मुझसे तेरा बलिदान न देखा जाएगा। दीदी दी।
जी सरकार। हाँ तो पोस्टमास्टर साहब, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को जल्दी ले आइए। अभी लाए। अरे नंदू, जा अपनी माँ से के जल्दी से गीता को ले आए। मैं चिट्ठी छोड़ने जा रहा हूँ। अरे चल जा, पहले कह गया। देखो अरे तुम यहाँ खड़ी बातें कर रही हो, गीता को भी तैयार किया? वो तो कब की तैयार बैठी है। अरे तो भेज दो ना, मुहूर्त बीता जा रहा है। गीता, ओ गीता, खोल जल्दी किवाड़, खोल। गीता, ये किवाड़ क्यों बंद कर लिए अंदर से? पता नहीं चाची, अजीब लड़की है। गीता, ओ गीता, किवाड़ खोल। खोलती क्यों नहीं? कहीं बेहोश तो नहीं हो गई? हाँ गीता, ओ गीता, जरा उधर से जाके तू देख। गीता, ओ गीता, ये भी बंद है। चाची अंदर तो नहीं है? कहाँ गई? बाहर जाके तो देख, किसी दूसरे कमरे में ना हो। गीता, ओ गीता, कहाँ चली गई? अरे कहाँ है तू, कहीं मिली? ये लड़की, गीता को कहीं देखा नहीं तो? क्यों, क्या हुआ? मिलती नहीं ना, जाने कहाँ चली गई? चली गई क्या? कोई और नहीं था उसके पास? कमला दीदी थी। तू उनसे पूछो, उधर तो नहीं है। ओ क्या, दोनों चली गई? हार ला, अब क्या होगा? क्या हुआ, क्या बात है? सब चुप क्यों है, बताइए ना क्या बात है? गीता भाग गई। भाग गई? ओह, पड़ी है तुम्हें कुछ करना ही होगा। क्यों, क्या बात है? जाओ गांव का कोना कोना छान मारो। जी सर। तुम लोग फौरन स्टेशन जाओ, देखो गीता गांव से बाहर न जाने पाए। बहुत अच्छा। खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो, जाओ कहीं से ढूंढ के गांव से। तुम लोग मेरी गाड़ी लेके कमला के यहाँ जाओ, उसे जरूर मालूम होगा गीता कहाँ है। और सुनो, अगर उन्हें बताया तो उसे मेरे पास ले आओ। बहुत अच्छा। रहमान भैया जल्दी करो, जल्दी। तुम्हारी कसम कमला बहन, अभी मिनटों में पहुंचाता हूँ स्टेशन। अरे गीता, सतीश बाबू का पता अच्छी तरह याद तो है ना? हाँ हाँ दीदी। और देख, वहाँ पहुँचते ही चिट्ठी लिखना ना भूलना। नहीं नहीं दीदी, घबराओ मत। ओह, एक काली माता का फूल अपने पास रख ले,
उसकी रक्षा करेंगे। धमान भैया, जमींदार के आदमी का ही स्टेशन ना पहुंच गए हूँ। अरे हाँ, पर तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं इन्हें अगले स्टेशन से गाड़ी पे बिठा दूंगा। हा? अरे नंदू, ये तो उस वक्त किसकी चिट्ठी छोड़ने गया था? दीदी की। गीता की? हाँ। ओ, अरे जरा चिट्ठी निकाल के तो देखो, शायद कुछ पता चले। गीता को कहीं देखा? नहीं तो। यहाँ तो नहीं है। चलो फिर। कोई भी नहीं, कहाँ गायब हो गई? हो रही क्या है? गीता देवी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। ठीक ठीक बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कह तो दिया, मैं नहीं जानती। बोले के बाद निकल जाओ यहाँ से। बस बस, सीधी तरह बताती है कि नहीं? अरे ये ऐसे नहीं मानेगी, ले चलो जमींदार साहब के पास। चलो छोड़ो, मैं खुद चलती हूँ। तो क्या गीता सतीश को चाहती थी? हाँ, तुमने जल्दी करके लड़की हाथ से खोदी। मैंने खोदी? महेश बाबू से ब्याह की बात तो तुम लेके आए थे। हाँ हाँ, लेकिन लड़की से पूछ तो लिया होता, तुमने क्यों ना पूछ लिया? लगे मुझे दोष देने, मैं कुछ नहीं जानती, लाओ मेरी लड़की ढूंढ के। अच्छा अच्छा, मैं शहर जाता हूँ। शहर? हाँ, सतीश के यहाँ। सतीश के यहाँ? अरे हाँ, तो चिट्ठी में पढ़ा क्या मेरा सर? किसने कहा लिखा हुआ सतीश के यहाँ गई है? कुछ अक्कल हो तो समझ में आए, वो जरूर सतीश के यहाँ गई है। जाओ जाओ तैयारी करो, मैं अभी शहर जाता हूँ। अच्छा, तुम लोग जाओ। बैठो कमला, अभी अंदर न जाओ कमला। क्यों? जमींदार साहब गीता से बातें कर रहे हैं। गीता से? तो क्या गीता को पकड़ लिया? हाँ। हाय भगवान, हटो। हेलो। हाँ कमला, अंदर जाने का हुक्म नहीं है। ओ, रहमान भैया कहाँ है? रहमान? वो तो नहीं मिला, क्या वो भी गीता के साथ था? हाँ। ओ, शायद डर के कहीं भाग गया। नहीं नहीं, मुझे अंदर जान दीजिए, न जाने गीता का क्या हाल करे। नहीं कमला, तुम जमींदार साहब का मिजाज नहीं जानती, मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ओ, तो आप उनको खबर करवा दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अच्छी बात है, ए जाके खबर कर दो। हाँ कमला, ये गीता भाग कर कहाँ जा रही थी? शहर, सतीश बाबू के पास। ओ, तो रहमान उसे शहर ले जा रहा था? नहीं, वो तो उसे अगले स्टेशन छोड़ने गए थे। ओ, रहमान गीता को अगले स्टेशन छोड़ने गया है। देखता हूँ कैसे जाती है भाग के। तो क्या गीता यहाँ नहीं है? नहीं, अभी आ जाती है। हाय भगवान, ये सब चाल थी, ये मैंने क्या किया? बड़ी चालाक बनती थी, अब देखना मैं तुम दोनों का क्या हाल करता हूँ। बंद कर दो इसे। चलिए, तुम लोग गाड़ी लेकर अगले स्टेशन पर जाओ, रहमान उसे पहुंचाने गया है, और अगर वो वहां न मिले तो तुम लोग सीधे शहर जाकर स्टेशन पर उसका इंतजार करो। गाड़ी से उतरते ही उसे पकड़कर यहां ले आओ। बहुत अच्छा।
सात मंजिल चले करो। आजाद मंजिल के लोग रूट चलिए जमींदार साहब ने बुलाया है। मैं नहीं जाऊंगी। चलना ही पड़ेगा, जबरदस्ती उतार लो। छोड़ो छोड़ो मुझे। सतीश 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 पुष्मा साहब आप? हाँ गीता आई है यहाँ। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे लिए वो सड़े से भाग आई। मेरे लिए? ये क्या कर रहे आप? हाँ हाँ ये चिट्ठी पढ़ो ना, तुम्हारे नाम है। मैंने कितनी भूल की, बताओ क्या करें, कब उसका पता चले? महेश बाबू गांव में। हाँ फिर गीता को उन्होंने यहाँ पहुंचने से पहले पकड़ तो नहीं लिया? हो सकता है, मैंने उनके आदमियों को स्टेशन पर देखा था। ओ मेरे साथ आइए। जाने दीजिए। मैंने कह दिया तुम नहीं जा सकती। क्या मुझे इस गांव में भी शांति से न रहने देंगे? लोगों को अगर मालूम हुआ कि मैं रात भर आपके घर में रही तो क्या कहेंगे? ये पहले क्यों नहीं सोचा? गीता को मुझसे बचाने चली थी, जब तक वो नहीं आती तुम्हें यहीं ठहरना होगा। ये देखो तुम्हारी सहेली के स्वागत के लिए मैंने सब तैयारियां कर रखी। इतनी देर हो गई, कहीं गीता उन लोगों के हाथ से बच तो नहीं गई? ईश्वर कर ऐसा ही हुआ हो। आ गए। देखिए आप गीता से कुछ ना कहिए, उसका कोई दोष नहीं। दोष है कि नहीं इसका मैं फैसला करता हूँ। आपको मेरी सौगंध, मैं आपके पाप पड़ते आप इसे माफ कर दीजिए। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। आपको मेरी बात मानना ही पड़ेगा। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। छोड़िए छोड़िए। छोड़ दो। ये गीता देवी, कब से मैं आपकी राह देख रहा हूँ। ये लोग मुझे इस तरह पकड़ के यहाँ क्यों लाए हैं? अभी बताता हूँ, तुम लोग जाओ, थोड़ा बाहर से बंद कर दो। खोलो खोलो। मुझे जाने दीजिए। जाने दीजिए? मैं जान सकता हूँ सगाई से भागकर इस तरह मेरा अपमान क्यों किया? मैं आपसे ब्याह नहीं करना चाहती थी। ओहो क्यों, सतीश पोस्टमैन के लिए मैं इतना बुरा हूँ? जी ये बात है, मैंने बड़ी भूल की जो तुम्हारे साथ ब्याह करना चाहा। मैं चाहता था दो दिन में तुम्हें अपने काबू में कर सकता था, तुमने मेरी शराफत का अच्छा बदला दिया। खैर मैं तुम्हें वो सबक पढ़ाऊंगा कि तुम उम्र भर न भूलोगी। क्या मतलब? अभी मालूम हो जाएगा। छोड़ दीजिए मुझे। कितनी भी चिल्लाओ कोई नहीं आएगा। छोड़िए तो अच्छा ना होगा। ये मैं बहुत सुन चुका हूँ, कोई तुम पहली लड़की नहीं हो। मैं नहीं जानती थी आप इतने नीच हैं। अब तो जान गई। छोड़िए छोड़िए।
क्या कर रहे हैं? अंधेरा। वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ ना। डरती हो? मेरे नजदीक ना आइए। कौन रमेश जी? ए ठहरो तुम लोग, तुम यहाँ सब कैसे आए? गीता देवी कहाँ है? क्यों, तुम ये जानकर क्या करोगे? मैं पूछता हूँ गीता देवी कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। मुझसे छुपाते हो? शर्म नहीं आता भले घर की लड़की को इस तरह बंद कर रखा है? चुप रहो रमेश, तुम इन बातों से मतलब? बहुत कुछ, जल्द बताओ वरना ठीक ना होगा। ओ, तो तुम उसे छुड़ाने आए हो, लेकिन तुम्हें इन बातों का पता कैसे चला? मुझे तुम्हारी हर बात का पता है। भला चाहते हो तो छोड़ दो गीता देवी को। छोड़ दो, मैं कहता हूँ तुम बीच में ना आओ। रमेश चले जाओ यहाँ से। मैं गीता देवी को लेकर जाऊंगा। उधर मत जाओ। तो वो इसी कमरे में? हटा। वो आप? गीता मुझे बचाइए। घबराओ नहीं गीता। रमेश तुम सीधी तरह चले जाओ, नहीं तो। नहीं तो क्या? तुम नहीं मानोगे? आओ गीता। अच्छी बात है, पकड़ कर बंद कर दो उसे। बहुत अच्छा हुजूर। उस कमरे से जाओ। जाती कहां हो? छोड़ दो महेश भैया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तुम इसे नहीं ले आ सकते। हटिए। मैं कहता हूं छोड़ दो वरना अच्छा ना होगा। बदतमीज। तो तुम नहीं छोड़ोगे? ये तुमने क्या किया? मानो किसने कहा था। हाय भगवान। इसे मेरे कमरे में ले जाओ। तुम कहां चली? छोड़ दीजिए मुझे। देखता हूं मुझसे बचकर कैसे जाती हूँ। जाने दीजिए, वो बेहोश हो गए हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। ओहो, रमेश के लिए इतनी फिक्र क्यों? वो तुम्हारा कौन है? हट जाइए। नहीं, आपका दिल के पत्थर का है, उनकी इतनी चोट लगी है और आप मुझे जाने नहीं देते। बात क्या है, रमेश तुम्हें इतनी दूर से बचाने आया, तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो। मालूम होता बहुत पुरानी मोहब्बत है। जी। अच्छा, लेकिन तुम तो सतीश को चाहती हो ना? जी हाँ, रमेश बाबू ही सतीश है। क्या मतलब, रमेश ही तुम्हारा सतीश है? जी। लेकिन रमेश ही इस गांव में पोस्टमैन का काम करता था? जी हाँ। ओह, तो तुम शहर इसी के पास भागते जा रही थी? हाँ। सुनो, तुम सचमुच रमेश से प्रेम करती हो? मुझे जाने दीजिए। हुजूर, गांव के बहुत से लोग इकट्ठे होकर इधर आ रहे हैं, मालूम होता है उन्हें पता चल गया है। ओ, आप कहें तो गीता और कमला को यहां से निकाल कर ले जाएं। हाँ, ले जाओ। सतीश बाबू, मैं गीता। रहने दो। कमला बाहर आओ। ईश्वर कैसा? गांव वाले तुम्हें छुड़ाने आए, अब तुम चाहो तो मुझसे बदला ले सकते हो। जानता था ये लोग तुमको यहाँ पकड़ कर लाए हैं। शर्म नहीं आती गांव के जमींदार होकर ऐसी हरकत करते हो? निकल जाओ यहाँ से। मार के गिरा दे। क्या रहमान भैया, तुम बीच में क्यों आती हो? कमला बहन हट जाओ। कमला नहीं, मैं नहीं हटूंगी। रहमान भैया, इनका कोई दोष नहीं। दोष नहीं? ये तुमको यहाँ जबरदस्ती पकड़ कर लाया और तुम कहती हो कि इनका दोष नहीं? मुझे कोई पकड़ कर नहीं लाया, मैं ही इनसे मिलने आई थी। इतनी रात को? हाँ। ये क्या कह रही हो कमला? ठीक कहती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी नहीं समझता था कमला बहन। बात क्या रहमान भैया, यहाँ तो कुछ और ही मामला मालूम होता है। आज कल खुल गई देवी जी की, बड़ी सती सावित्री बनती थी। ऐसी और को गांव से निकाल बाहर करो। चलो चलो, कम मुंह भी ना देखना चाहिए। हाँ चलो। ये तुमने क्या किया कमला? तो क्या आपका खून होते देखती?
पुलिस आ रही है। पुलिस? अब क्या होगा? गीता कहाँ है? उस कमरे में। महेश बाबू, मैं आपके मकान की तलाशी लेना चाहता हूँ। क्यों? पोस्टमास्टर साहब ने रिपोर्ट की है कि आप गीता देवी को जबरदस्ती पकड़ के अपने यहाँ ले आए। जी ठीक है। सुना आपने, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। आप जरा ठहरिए, गीता देवी कहाँ है? उस कमरे में। गीता? आप उठिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। महेश भैया कहाँ? उस कमरे में। बाबूजी, गीता है। तू भागी क्यों? मुझसे क्यों बता? पगली। अरे सतीश को क्या हुआ? इन लोगों ने सर पे लाठी मार दी। देखा था होगा जी आपने, इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी महेश बाबू, आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं। तो ये सब बातें सच हैं? जी। मालूम है आपने कितना बड़ा जुर्म किया है? मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। ये नहीं हो सकता। दरोगा जी, महेश भैया को छोड़ दीजिए। मैं मजबूर हूं। रमेश, मुझे बचाने की कोशिश न करो। जो कुछ मैंने किया उसका फल मुझे मिलना ही चाहिए। चलिए दरोगा जी। नहीं नहीं दरोगा जी, क्या कोई उपाय नहीं? जी नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए जरा ठहरिए। गीता, ये मेरे भाई हैं। लेकिन इन्होंने जो कुछ किया, फिर भी गीता मेरी खातिर। दरोगा जी, छोड़ दीजिए महेश बाबू को, ये निर्दोष है। ओह, अच्छी बात है। महेश बाबू, माफ कीजिए, मैंने आपको इतनी तकलीफ दी। जी नहीं, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया। अच्छा, अब मैं चलता हूं। को मालूम नहीं, कमला विधवा नहीं, मेरी स्त्री है। क्या कहा? कमला आपकी स्त्री है? जी हाँ। सच है भैया? हाँ रमेश, ये एक बहुत बड़ी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। कमला बहन, मुझे माफ करना। नहीं नहीं रहमान भैया, मैं जानता ना था। हाँ कमला, कल हम काशी चलेंगे। क्यों, काशी क्यों जा रहे? मैंने एक वादा किया, वो पूरा करना है। मैं आपसे गीता और रमेश के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। इन लोगों के सामने नहीं, जरा बाहर आइए ना। ओ समझा, चलिए। क्यों सतीश भैया, चिट्ठियां गीता को लिखते थे और हमें कुछ और ही बता रखा था। अगर तुम्हें सच बात बता देता तो यहाँ तक नौबत ही नहीं पहुँचती। ओ ये बात है। अच्छा रहमान भैया, अब चलो, इन दोनों बहुत सी बातें करनी है। हाँ हाँ। क्या कहते थे रमन भैया? तुम अभी नहीं आवत चैन। ओ क्यों, विश्वास नहीं होता? कैसे हो आप, तो शहर जाके मुझे भूल ही गए थे। नहीं जीता, मुझे माफ करो, मैं कभी तुम्हें भूल सकता हूँ? जाइए। तुम माफ कर दिया? नहीं। मालूम है महेश भैया क्या कहने गए थे उसमें सबसे? क्या बताऊंगी तुम्हें? देखो कह दूंगी।